As you know, we have done sum number 1 of exercise 4.3. So, now moving on, let's start with sum number 2. So, our statement is, give an equation of two lines passing through 240. How many more lines, such lines are there and why? I'm reading again. Give an equation of two lines passing through 240. How many more such lines are there and why? Means कि हमें ऐसी दो equation बतानी है जिसे 2 and 14 point जो है satisfy करे. Cartesian equation हम कर चुके हैं तो उसमें क्या अगर हम notice करें कोई भी point होता है तो उससे हम कितनी की lines pass कर सकते हैं ना. तो it means ये तो हमारा answer आ गया कि एक point से जो है infinite lines जो है draw की जा सकती. अब हमें ऐसी दो इक्वेशन बतानी है जैसे 2 और 14 मींस x में हम 2 पुट करें और y में 14 पुट करें उसको सेटिस्फाई करें. लेट्स सी अगर मैं अपने हिसाब से बनाऊं तो x plus y equal to 16 right. सी x की जगह मैंने पुट किया 2, y की जगह 14. 2 plus 14 is equal to 16. Means जो हमने first equation बनाई है बिल्कुल appropriate है. Let's see, एक और जनाशी है. First वाले को double कर देते हैं, y को as it is कर देते हैं. तो 4 and 14 कितना हो गया? 18. तो इस दो equation में भी x की जगह 2 और y की value 14 put करने पर इस equation को satisfaction हो रही है. तो means हम चाहे तो इसके इनफाइनाइट आंसर बना सकते हैं. और ये भी जरूरी नहीं कि आपने जो आंसर लिखा है वो आपके जो बैक साइड में दे रखे हैं आंसर उससे मैच हुए बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर ऑफ दिस सम. ओके सो मैंने सिर्फ टू इक्वेशन लिखी है x plus y is equal to 16, 2x plus y equal to 18. आप और भी इक्वेशन बना सकते हैं लाइक y minus 2 is equal to 12. कुछ भी आप अपने आप से बना सकते. तो इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर. सो कितनी लाइंस है इनफाइनाइट मींस अगिनत जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास दो अ पॉइंट कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जो है पास में हो सकती है इसलिए जो है इसमें हम x 2 और 14 को बहुत सारे इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है इफ द पॉइंट्स 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a. I'm repeating. If the point 3, 4 lies on the graph, एक ग्राफ है उस पर 3, 4 एक पॉइंट है हमें बताना है कि 3y is equal to ax plus 7 इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो हम एज इट इज पॉइंट क्या है हमारे 3, 4. आपको पता है फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला y तो सेकंड वाले की जगह y की जगह तो सेकंड वाला पॉइंट पुट कर दें और x की जगह पहले वाला तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी 3 into 4 is equal to a 3 plus 7 3 4 the 12 is equal to 3 a plus 7 12 minus 7 is equal to 3 a 5 is equal to 3a and a is equal to 5 by 3 is your answer. I hope आपको clear हो गया होगा कि y की जगह मैंने 14 put किया, x की जगह 3 put किया. तो 12, 3a plus 7, 7 वहाँ जाके negative. So 12 minus 7 equal to 3a, 5 is equal to 3a, then a आ गया आपका 5 by 3, ये जो है आपका. नेक्स्ट जो है देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है ये वाला. मैं आपको साथ में इम्पोर्टेंट सम बता रही हूँ. इसका रीजन ये है कि इसको
इसको बार बार आपको रिवाइज करना है और अच्छे से समझना है। और इम्पोर्टेंट का मीनिंग है कि जो आपके नेक्स्ट टर्म के लिए जो है 10th क्लास के लिए, बोर्ड की क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आएंगे तो आप नेक्स्ट वाले जो है उनको ईजिली से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance is rupees 5 per kilometer. Write a linear equation and draw its graph. हमें उसने बताया कि एक टैक्सी फेयर मीन्स टैक्सी का किराया एक शहर का, कि अगर किसी को फर्स्ट किलोमीटर जाना है तो उसके रुपीज 8 लगेंगे और नेक्स्ट किलोमीटर के में रुपीज 5 के हिसाब से पर किलोमीटर लिखेगा। मीन्स अगर किसी पर्सन को 3 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का तो वो 8 रुपीज देगा और बाकी 2 किलोमीटर के वो कितने देगा 5 5। हमें इन चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी है। ये दोनों हमें आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तब भी हम अपनी तरफ से लेट करते। लेट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर, टोटल फेयर इज इक्वल टू 1। तो अगर जो मेरा टोटल फेयर है, ध्यान से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें क्या कहना चाहता है कि आप किसी भी चीज का किराया कैसे दोगे। पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज दोगे, टोटल किलोमीटर है x, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर होते तो 1 किलोमीटर का तो आपने 8 रुपीज दे दिया, बाकी का 9 किलोमीटर आप 5 रुपीज के हिसाब से, तो 1 किलोमीटर का तो पे कर दिया, बाकी कितने किलोमीटर रह गए, टोटल थे x किलोमीटर तो कितने रह गए x माइनस 1, और 1 किलोमीटर का 5 है तो x माइनस y किलोमीटर का कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय। ध्यान से देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, टोटल फेयर जो किराया है वो आपका कितना होगा 8 जो है फर्स्ट किलोमीटर का वो प्लस जितने किलोमीटर जाना है उससे एक कम क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया भर चुका हूँ, इंटो में 5, 1 किलोमीटर का 5 है तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना हो गया x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। लेट्स सॉल्व इट, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 x माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 x, तो y माइनस 5 x इज इक्वल टू 3। आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने किस हिसाब से किया ये, इसको मैंने क्या किया 5 से दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 प्लस 5 x माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3 एंड देन मैंने इसको प्रॉपर कर दिया। तो अब इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो आप अपने आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ ओके। सो अब तीनों क्वेश्चंस जो है मैंने करवाए हैं, ये मैंने हाफ करवाया है और हाफ आपके लिए छोड़ा है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपकी फेयर नोटबुक पे अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। थैंक यू।